Open it. Two dolls in Africa, okay. You are special to us, and also you what? Life. You see your life. I pray that this year will be thrilled with many discoveries as you try to explore the universe each and every day. Love at Kiss Book. Hi everyone, Namaskar, Salaam, Satsriya Kaal, welcome back to Deep Soul in One channel. कैसे हैं आप सब, कॉमेंट करके जरूर बताना. और आज क्या स्पेशल डे है? My birthday. Yes, आज हमारी आपकी अद्वी सिंह का है बर्थडे. कितने साल की हो गई अद्वी? Seven. और इधर है चौधरी साहब. ऐसे आ गए ना पूरे एक फ्रेम में, है ना, झुकना नहीं पड़ेगा. बस मुझे हाथ ऐसे उठाना पड़ेगा. तो यस yes. और क्या प्रेजेंट मिला है जल्दी बताओ. इसको टैबलेट मिला है. और अद्वी को जब कोई प्रेजेंट मिलता है ना, गिफ्ट मिलता है, तो उसके एक्सप्रेशन इतने ब्लेंड होते हैं ना कि उसे समझ नहीं आता कि वो हंसे वो क्या करे. तो देख के ना बस ओके. और अब वो सुबह से उसी में लगी हुई है. ऐसे दिखाओ अपनी ड्रेस कैसे ना. इस तो अभी सुबह उसने ये पहन लिया है. और इधर जो है छोले उबल रहे हैं, उबल चुके हैं, मैंने अभी बंद किया गैस. और इधर आलू उबाले हैं, खट्टे आलू बनेंगे. और उधर जो है भटूरे का आटा जो है वो बना रखा है. छोले उबल जाएंगे तो ऑब्वियसली हमेशा ना हमारे यहाँ फिक्स मेन्यू होता है होली अष्टमी का, मोस्टली साहब के बर्थडे का और अद्वी के बर्थडे का, कि हम लोग सिर्फ छोले भटूरे बनाते हैं. इनु, क्या बन रहे हैं बताओ. क्या बना, मम्मी क्या बना रही है? छोले भटूरे. छोले भटूरे. तो छोले भटूरे बन रहे हैं. और जैसे जैसे आज का दिन होगा वो शेयर करेंगे. भैया अभी जो है वो शावर लेने के लिए गए हैं, हम सब तैयार हैं. और कोई भी आने लग रहा है तो जब वो आएंगे तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे. शाम का प्लान कुछ है स्पेशल, देखते हैं. लेकिन वेदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरी बारिश है. और शाम को स्टॉर्म भी है. स्टॉर्म भी है. स्टॉर्म डेनिस. इज इट? यस, स्टॉर्म डेनिस. तो अभी तो कीरा गया है, अब डेनिस आ रहा है. तो कीरा ककड़ी कद्दू सब यहीं आने हैं जितने भी हैं. या शेफील्ड इज स्टॉर्म विल. तो देखो हमारा शाम का प्लान था कहीं जाने का अद्वी को लेके. तो अगर वेदर सही रहा देन विल गो, अदरवाइज लेट्स सी. ये भी मिला है अद्वी को, मिली है ये ना, दैट्स पॉपी. जिस जिसने ट्रूल्स मूवी नहीं देखी है जरूर देखना. ट्रूल्स इज रियली गुड मूवी, बहुत अच्छी है. और उसमें ये है वेरी एजुकेशनल, ये है दैट्स प्रिंसेस पॉपी. तो अद्वी को आज ये भी मिली है. तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई. और सुबह का जितना भी हुआ ना, जब अद्वी ने अपना प्रेजेंट खोला, वो सारी की सारी क्लिप्स जो हैं वो मैं डाल दूंगी. और अब मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि 12:30 ऑलरेडी हो गया है. यस, खाना बनाते हैं और फिर जैसे जैसे दिन होगा यू कैन एंजॉय विद अस. यस.
चलिए तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से थोड़ी बहुत डेकोरेशन हमने अद्वी के बर्थडे पर की है। एनी हाउ उसको अब फील होने लगा है कि बैलून्स, कन्फेटी, ये सारी चीज़ें जब हम लगाते हैं उसके बाद जब इनको हम उतारते हैं तो वो सारी चीज़ें सी में जाती हैं और सी लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो इसीलिए उसका खुद ही ये था कि मम्मा बहुत ज़्यादा मत करना। तो हमने थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन की है, बहुत ज़्यादा नहीं की है। और सुबह उठकर वो आई है नीचे इस रूम में और यहाँ पर अपने दो बलून्स देखे हैं, उसने अपना गिफ्ट देखा है और उसके बाद फिर ब्रश वगैरह करके वो फिर से नीचे आई है और यहाँ पर वो अपना प्रेजेंट ओपन कर रही है। और प्रेजेंट अभी ओपन होगा, आई थिंक आप लोगों को पता लग ही गया होगा, इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि उसको क्या मिला है। तो यहाँ पर थर्ड क्लास से आपको जो होमवर्क मिलता है वो 60% आपको स्कूल की वेबसाइट पे जाके फिल करना होता है। तो अब भी मिलता है उसको थोड़ा बहुत, लाइक स्पेलिंग शेड होता है, मैथ शेड होता है, तो उसको मैथ्स की कुछ इक्वेशन करनी होती है, स्पेलिंग्स इंप्रूव करने के लिए जो करना होता, तो फिर वो मेरे मोबाइल में लेकर करती थी और स्क्रीन बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे, पहले हम क्रिसमस पे सोच रहे थे लेकिन तब हो नहीं पाया, तो इसलिए फिर हम अब उसके बर्थडे पर उसका ये टैबलेट लेकर आए हैं। और ये आई थिंक अमेजोन फायर का है और ये किड्स वर्जन है, तो इसमें लॉक होता है तो बच्चे कुछ भी उल्टी सीधी वेबसाइट नहीं खोल सकते हैं, और किड्स यूट्यूब होता है तो बहुत सेफ वर्जन है। अगर मैं काम भी कर रही हूँ और अद्वी बैठ के अगर अकेले भी देख रही है तो मैं फ्री माइंड होके देख सकती हूँ कि कुछ भी गलत पॉपअप नहीं होगा, वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं देखेगी क्योंकि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो चलिए गिफ्ट की बारी हो गई और वो बहुत खुश थी। इसके बाद मूव करते हैं आज के खाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बड़ा सा पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है उसमें हींग, जीरा और तीन बारी कटी हुई प्याज जो है वो मैंने ऐड कर दी हैं। इनको हल्का सा हमें गोल्डन ब्राउन करना है और इसके बाद मैंने नॉर्मल रूटीन के मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। इनको हल्का सा हम सौटे कर लेंगे और ये मैं छोले भटूरे वाले काले छोले जो होते हैं वो बना रही हूँ। इसके बाद चार पांच टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की जो प्योरे थी वो मैंने बना के तैयार कर ली थी और उसको हम अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसके बाद ढेर सारा 3-4 चम्मच मैंने इसमें चना मसाला डाला है, ये MDH का है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, होममेड भी आता है बट मैंने चना मसाला कभी घर पर नहीं बनाया, मम्मी बना लेती थी कभी कभी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि मसाला बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाए और मसाले के हिसाब से ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो छोले मैंने बॉयल कर लिए थे, ओवरनाइट सोक किए थे, उसके बाद मैंने इनको 6 मिनट का प्रेशर दिया था और मैंने साथ में आंवले डाल दिए थे उसमें, तो उससे इनका रंग जो है वो काला हो जाता है और एक खटास भी आ जाती है। और एक बेलीव डाल के मैंने उन छोलों को बॉयल कर लिया था। तो छोले ऑलमोस्ट डन है, बस इनको हम थोड़ी बहुत देर इसी तरह से पकने देंगे और आप देखेंगे कि ऑयल जो है वो ऊपर आने लगेगा। तो इस पॉइंट पर जो हमारे छोले हैं वो ऑलमोस्ट डन है, तो थोड़ा सा और थिक करने के लिए, नहीं तो बिल्कुल खड़े खड़े से रह जाते हैं, तो मैं मैशर लेके इनको हल्का सा बीट कर दूंगी ताकि कुछ छोले जो हैं वो टूट जाएं और कुछ साबुत रहें। उससे बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली जो ट्रिक है। और बिल्कुल लास्ट में अदरक बिल्कुल बारीक बारीक लंबा लंबा कटा हुआ मैंने ऐड कर दिया है, जैसे माचिस की तीलियां होती हैं, और 2-3 हरी मिर्ची, इससे इसका फ्लेवर ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा एनहेंस होता है। और अब आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि इसका जो कलर है वो डार्क होने लगता है और बहुत सुंदर बन जाता है। तो छोले हमारे बन के तैयार हैं और अब मैं यहाँ पर बना के तैयार कर रही हूँ। जो छोले भटूरे के साथ अचारी आलू मिलते हैं तो वो बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने पैन में ऑयल डाला है, थोड़ा सा हींग और 2 चम्मच मैंने इसमें पंचफोरन मसाला ऐड कर दिया, ये अचारी मसाला होता है, साथ ही धनिया, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा जीरा, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। और इसमें बिल्कुल भी लाइक प्याज टमाटर नहीं जाता है, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाला है और 2 घूंट या 1/4 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, इससे मसाले आपके जलते नहीं हैं और एकदम से ही भुन जाते हैं और ऑयल बिल्कुल ऊपर सेपरेट हो जाता है। इसके बाद आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दें टेस्ट के हिसाब से, और आलू मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे और उनको बस मैंने बीच से आधा आधा ही काटा है, लाइक आपको मोटे मोटे चंक्स रखने हैं। कुछ लोग इन आलुओं को पहले से फ्राई करके भी रखते हैं और उसके बाद बनाते हैं, बट सारी चीज़ें इतनी फ्राइड, लाइक भटूरे भी फ्राइड होने वाले हैं, तो मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, ऐसे भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कवर करके रख दें आप इनको और ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाएंगे, ऑयल अलग होने लगेगा, हार्डली 5 मिनट लगते हैं इन अचारी आलुओं को बनने में, और ये छोले भटूरे के साथ ऑसम कम्बिनेशन है। और बिल्कुल लास्ट में आप इसमें डाल दें
खूब सारा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, सारी चीज़ें हिला दें और बस 1 मिनट के लिए कवर करके रख दें और आपकी जो अचारी आलू हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं अब हलवे की तरफ। तो यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ जो मस्ट होता है द्वी के बर्थडे पर, क्योंकि ये एक स्वीट डिश है जो उसे बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप ही सूजी ली है और 1 कप ही मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है और इन सारी चीज़ों को मैं भून लूँगी एक साथ जब तक कि घी इस तरह से ऊपर तैरने ना लगे। हमें सूजी को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ये कि कच्चापन उसका निकल जाए और एक सौंधी सौंधी सी स्मेल जो है ना, खुशबू वो आने लगेगी सूजी के भुनने की और बबल्स उसके ऊपर बनने लगेंगे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो आएगा कि हाँ सूजी बिल्कुल भुन चुकी है। इसके बाद हीट आप बिल्कुल सिम पे कर दें या फिर आप इसको बंद ही कर दें गैस को। और यहाँ पर मैंने 2 कप पानी और 2 कप दूध को आधा कप चीनी के साथ, सॉरी 1 कप चीनी के साथ गरम कर लिया था और उसमें मैंने थोड़े से केसर के धागे और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के अलग से बॉईल कर लिया था। और जब इधर सूजी भुनी है तो उसमें मैंने वो गरम गरम चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दी हैं। तो दूध और पानी मैंने इक्वल क्वांटिटी का लिया है और हमेशा की तरह जो हलवे का मेजरमेंट होता है दैट इज़ 1 1 2 4, लाइक आपको इक्वल सूजी लेनी है और घी लेना है, उसके बाद चीनी लाइक डबल ली जाती है, मैंने कम ली है, और उसके बाद जो लिक्विड उसके अंदर डाला जाता है वो 4 गुना होता है। तो शुगर जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर 1 ही कप डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है, लेकिन 2 कप तक मेरे घर में बनता है तो 2 कप जाएगी जाएगी क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर मीठा खाया जाता है। तो चलिए इसको बस हमें हल्का सा भून लेना है और जब ये हल्का सा ड्राई लगने लगे तो ऊपर से आप इसमें 1.5 चम्मच थोड़ा सा घी और डाल दें, उससे ये इतना अच्छा ग्रीजी सा हो जाएगा और थोड़ी ही देर बाद ये घी रिलीज़ करने लगेगा। बाकी कुछ लोगों का होता है कि उनको थिक पसंद है या थिन पसंद है, तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं हलवा। तो हमारा हलवा यहाँ पे परफेक्टली बन के तैयार है। इसके ऊपर खूब सारे ड्राई फ्रूट्स मैं डाल दूँगी और जो भी आपको पसंद हुआ वो डाल सकते हैं। आजकल अद्वि ने थोड़े से बादाम खाने शुरू किए हैं तो इसलिए मैं अब बादाम ऐड कर देती हूँ, अदरवाइज़ बिल्कुल प्लेन ही बनता है। तो छोले भटूरे ऑलमोस्ट लाइक छोले डन है, आलू डन है और हलवा डन है। प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली है, नींबू मिर्ची नमक डाल के रख दी है जो छोले भटूरे के साथ मस्त लगती है। और यहाँ पर तैयारी हो रही है भटूरे बनाने की, तो ऑयल मैंने चढ़ा दिया। और जब भी आप भटूरे बनाएं ना तो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, तब भी वो एकदम से पफ होकर आते हैं और उनके ऊपर वो रेड कलर आता है। तो आटा जो मैंने इसका बनाया था वो मैंने लगभग यहाँ पर मैंने 1.25 किलो मैदा लिया होगा, उसमें मैंने 1 सैशे इनो का डाला है, इनो फ्रूट सॉल्ट जो होता है, और पानी डाल के मैंने इसको नीड कर लिया था आधा घंटा पहले ही, दैट सेट। और इसके बाद बस आप इसके पेड़िया बना लें और बनाने शुरू करें। और छोले भटूरे की जो मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो उस वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें भी मैंने छोले भटूरे जो हैं वो अच्छे तरह डिटेल में बताए हैं, तो आप वो वाली रेसिपी भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी जो मैंने यहाँ बताई है वो भी। तो बस एक एक करके मैं सारे के सारे भटूरे यहाँ पर तैयार कर लूँगी और जो टेबल है वो मैंने ऑलरेडी सजा दी है और ये सब बैठकर अब खाना खाएंगे और गरम गरम भटूरे मैं इन सबको सर्व करती जाऊँगी। तो ये है हमारी आज की टेबल। तो 4 प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई हैं, किस किस की लगी हुई हैं, एक साहब की है, एक भैया की है, एक अद्वी की है और एक किसकी है जो दूसरे कोई लोग आने वाले हैं, नॉट जस्ट 1 पर्सन, और वो पूर्वी है, पूर्वी आई है, मोनिका दी की बेटी, तो शी इज़ जस्ट लाइक नीस टू मी। तो उसके साथ भी ना इतना अच्छा कनेक्शन हो गया है ये क्या बताएं। तो जैसे मुझे घर जाके फीलिंग आती है ना कि घर जाके बच्चों से मिलो, सेम फीलिंग मेरी पूर्वी के साथ होती है। तो ये है हमारी आज की थाली और इट इज़ सच अ प्लेजर कि जब आपके घर में कोई खुशी का माहौल होता है और जब घर से इतने सारे लोग आते हैं ना तो इतनी रौनक लग जाती है, इतना अच्छा लगता है। और पूर्वी ने बैठने से पहले आप भी आ जाओ ना, उसका हमेशा ये था, और मैं नहीं तुम खा लो, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं बच्चे, कहाँ गर्म गर्म इस तरह से मिलता है घर का खाना।
तो फिर मैंने इन सबको एक साथ बिठाया कि सारे खाओ बैठो और मैं गरम गरम भटूरे तुम्हारे लिए लेकर आ रही हूँ। और जो वो खुशी मिलती है ना वो अलग ही होती है। और जब फैमिली कंप्लीट सी लगती है ना, अदरवाइज न्यूक्लियर फैमिली में वो बात नहीं आती, ठीक है आप सब कुछ कर रहे हैं, बट दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट जब आप फैमिली के साथ बैठते हो, आप किचन में काम कर रहे हो, बाहर सब लोग बैठ के खा रहे हैं और आप आ रहे जा रहे हो, उनको खाना दे रहे हो, साथ साथ बातें हो रही हैं, दैट इज़ बेस्ट मोमेंट और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। और यू नो जब भी कोई घर पे आता है आई ट्राई टू गिव माई 100%, क्योंकि लोगों को इतना टाइम नहीं होता है कि वो टाइम निकाल के आपके पास आएँ, और जब वो आते हैं आई फील लाइक कि मैं बस पता नहीं क्या कर दूँ उनके लिए। नहीं तो अपने घर में कोई कुछ भी पकवान बना के खा ले, लेकिन अगर दूसरों को आप नहीं बना के दे रहे हो, दैट आप घर में कुछ भी बनाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब इन सबका हो चुका है खाना वाना और यहाँ पर मैं भी खा रही हूँ और बातें शातें हमारी पूरी चल रही हैं और अद्वी की मस्ती चल रही है उसकी दीदी के साथ। और ये जो हेडबैंड उसने लगाया हुआ है ये पूर्वी दीदी ही लेकर आई है उसके लिए, यूनिकॉर्न वाला। और ये साहब को पता नहीं था कि कैमरा यहाँ पर चल रहा है, वो सामने आके खड़े हो गए, उनको शायद पानी चाहिए था, आई डोंट नो। तो अब शाम हो गई है, बीच में हम लोग बैठे थोड़ी बहुत देर, मूवी वूवी देखी और अब शाम को हम केक कट कर रहे हैं। और इस बार केक मैंने घर पर नहीं बनाया, ये बाहर से ही ले आए थे, बोले कि फिर 3-4 घंटे लगी रहेगी, तो फिर हमने कहा चलिए कोई बात नहीं फिर बना लूँगी कभी, ज़रूरी नहीं है कि किसी मौके की ही ज़रूरत हो। तो ये केक हम बाहर से ही लेकर आए थे, चॉकलेट केक है। बाकी चॉकलेट केक की रेसिपी है चैनल पर, अगर आपको देखनी हो तो आप चॉकलेट केक लिखकर मेरे चैनल के सर्च में डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो कैंडल्स हमने कर दी हैं, इसके बाद अद्वी अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रही है और बस वो यहाँ पर उसे ये कि फटाफट काटो। और इस बार उसने केक जो है वो खुद से ही काटा है, बस हल्का सा हमने हाथ लगाया है। तो 7 साल की हो गई है बिटिया रानी हमारी और इंडिपेंडेंट होती जा रही है, भगवान उसे इसी तरह से तरक्की दे और आप लोग भी उसे आशीर्वाद देना बिल्कुल ना भूलें। भैया इधर भी हेलो, भैया की तो आवाज भी नहीं सुनाई दी अब तक व्लॉग में। And that's his voice. And you already know my voice. Except because I'm the star of this channel. तो केक कट करने के बाद हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं, ऊपर आके बैठ गए हैं और अद्वी सुबह से टैबलेट पे है, सुबह से, आज उसका बर्थडे है तो उसको बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है। और इधर कौन है, हेलो चुपाई आ रही हम सब छोले भटूरे के नशे में आज छोले भटूरे। और डिनर में हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया क्योंकि तूफान है, बारिश है, तो हम लोग नहीं जा but रहे हैं। वी डिड मेक अ पिज़्ज़ा। यस, तो हमने मूवी भी देखी है सब कुछ डार्क करके। वी वॉच मैलेफिसेंट अगेन। यस यस, फिर दोबारा से देखिए। और डिनर में आज बनेगा पिज्जा जिसमें मुझे कुछ नहीं करना है, साहब और भैया वो दोनों कुक करने वाले हैं, तो मैं फुल ऑन रेस्ट पे हूँ। रेस्ट क्या, बाकी के काम हो रहे हैं, कपड़े फोल्ड जो है वो कर लिए मैंने, तो चलते हैं नीचे पिज्जा को देखते हैं कितना डन हो रहा है। तो यहाँ पे पिज्जा जो है वो बन रहा है, कौन कौन सा फ्लेवर है बताओ, पनीर, pineapple, pineapple and vegetables. Vegetable. ये पनीर वाला हो गया। And you can add supreme next to everyone. Veggie supreme. Veggie supreme, paneer supreme. You actually put pineapples in pizza. Yes. Yeah, pineapple It's flavor का मिलता है, seriously. Very tasty. अच्छा वो ना जब jalapenos के साथ वो pineapple आता है ना तो मस्त।
सारा काम हो गया है और सब लोग एक्चुअली सो गए हैं, इसीलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। ये दरवाज़ा भी मैंने ये वाला बंद कर दिया था क्योंकि भैया जो है वो लिविंग रूम में सो रहे हैं। जो हमारा सोफ़ा है ना, वो सोफ़ा बेड है, तो वो पुल करो तो उसका बेड बन जाता है। तो भैया यहाँ सो रहे हैं, पूर्वी एटिक वाले बेडरूम में है और हम एज यूजल अपने वाले रूम में हैं। तो इस तरह से हो गया है सबका। और किचन जो है वो मैंने सारी क्लीन कर दी है, एवरीथिंग इज़ डन। कैंस हैं दूध की जो बाहर रिसाइकलिंग में जानी है, दूध गर्म करके रखा है मैंने वहाँ पे, दही जमानी है, उसी के ठंडे होने का वेट कर रही हूँ। दही जमा के रखूँगी क्योंकि कल ज़रूरत पड़ेगी। एक दो फ्रेंड जो है वो कल आएंगे, एक्चुअली मोस्टली सैटरडे को आ ही जाते हैं सभी फ्रेंड्स वगैरह, बट दोनों ही जो हैं वो जॉब पे थे आज, तो इसीलिए वो लोग कल आएंगे। तो कल उनके आने की जो है वो प्रिपरेशन करनी है खाने वाने की। फ़िलहाल आज का जो दिन है वो रैप अप हो गया है, जैसा चाहा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अद्वी बहुत खुश थी, सो गई अब तो वो आराम से, पूरा दिन मटक के ड्रेस पहन के, ईयरिंग्स पहने, नेकलेस पहना, ब्रेसलेट पहना, रिंग पहनी, था ना लड़कियों को जो तैयार होने का, तो शी इन्जॉयड अ लॉट। बाहर जाने का था बट फिर हमने घर पे वो सेटअप किया क्योंकि बारिश अभी भी बहुत ज़्यादा है। कल सुबह 11:30 तक हैवी रेन शो कर ही रहे हैं और तूफान तो है ही, तो बाहर जाना तो हमारा कैंसिल हो ही गया। बट ये है कि अब स्कूल हॉलीडेज हैं तो मैं उसको लेके चली जाऊँगी, पूरे एक वीक स्कूल हॉलीडेज हैं तो बीच में कभी लेके चली जाऊँगी उसको। बट शी वॉज़ हैप्पी क्योंकि हमने घर पे मूवी देख ली, पॉपकॉर्न दे दिया उसको, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो जो उसको थिएटर वाला फील आना था वही बैठ जाती हूँ, नहीं तो मैं थकी जाऊँगी, थक रही हूँ ऑलरेडी एक्चुअली। बट अच्छा गया दिन, कुछ भी थकान रही हो। और ऐसा गया हमारा आज का दिन। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक दे देना, शेयर करना, कमेंट करना। और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लव टू यू ऑल। और अद्वी को अपना आशीर्वाद और प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय। सब इंतजार में ऐसे हाथ लाओ उनको, पेट मर भूखे मर के भाई साहब, कुछ नहीं बच रहा है। हाँ पिज्जा लाओ, पिज्जा लाओ, पिज्जा लाओ।